चलिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज जो चल रही थी आपकी 9A हाइट एंड डिस्टेंस चल रही थी। ठीक, उसी के बारे में आज हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैथ एक्सरसाइज जो है हमारे 9A। ठीक, 10 तक हमने कहा था लगाइए और उसको ग्रुप पर भेजना है। उसके आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूँ और उसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो आप लगाइए। अगर कोई डाउट है वो बताओ, वो क्वेश्चन आपका बता दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में अगर फिगर बना लिए तो आपको क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, अगर फिगर में दिक्कत है तो भी समस्या हो जाएगी। देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पे भूमि हो गए, उसके एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन कितना है, 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी भवन है भवन के शिखर पर, समझा गया? ये क्वेश्चन मैं चलो लिख दे रहा हूँ। चलिए देखें, ये क्वेश्चन जो है हमने लिख दिया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। समझा गया? देखिए क्वेश्चन को समझते जाइए और पढ़ते जाइए और फिगर अगर सही बन गया तो क्वेश्चन भी आपका लग जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु, तो ये भूमि हो गई हमारी, उसका एक ये बिंदु हो गया भाई, एक बिंदु हो गया, से 20 मीटर ऊंचे, यानी भूमि से, ये मान लो यहाँ पे बिंदु हो गया, भूमि से ये एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, भवन कितना है 20 मीटर ऊंचा, तो ये मान लो हमारा हो गया भवन। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर की है। जो कहा है, जो कहता जाए क्वेश्चन, बस वही करते जाओ, फिगर बन जाएगा और क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। बस फिगर अगर डाउट हो गया तो भी समस्या हो रही। कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन के शिखर, शिखर यही होगा ना, ये तो पाद हो गया, जो भूमि से लगा हुआ है वो नीचे बेस, वो आधार तुम्हारा पाद हो गया, ये शिखर, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी शिखर पर भी एक मीनार है भाई, मीनार भी तो कुछ ऊंची होगी, शिखर पर भी एक मीनार लगी हुई है, यानी शिखर पर लगी एक मीनार, संचार मीनार, एक मीनार है मान लो ये यहाँ तक तो हमारा भवन है, घर है, उसके ऊपर मीनार लगी है। ठीक है, अब मीनार के तल, अच्छा मीनार कहाँ से है, यहाँ से है ना, इतनी यही मीनार है ना, ये तो भवन हो गई, भवन की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मीनार के तल, तो मीनार का तल कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा भाई बताइए, ये होगा ना, क्योंकि ये तल जहाँ से जुड़ा हुआ है, जहाँ से पाद है शिखर तल एक ही बात होती है, अरे पाद आधार तल, शिखर तो ऊपर हो गया, समझा, ये एक ही बात होती है, तो अब शिखर ये हो गया भाई, मीनार की बात कर रहा है, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, ऐसा नहीं कि भवन का ये तल कह देना, भवन के शिखर पर लगी, शिखर के ऊपर एक मीनार खड़ी है और मीनार का जो तल है वो ये हो गया, जहाँ से सट हुआ है या लगा हुआ है वही तो तला होता है, बेस आधार, ठीक है, वहाँ तल और शिखर, यानी तल और शिखर के उन्नयन कोण कमसा, यानी तल का उन्नयन कोण है 45 और शिखर का उन्नयन कोण है 60 है, यानी तल ये हो गया मीनार का, तो इससे जो ये उन्नयन कोण बन रहा है, थोड़ा बड़ा बना लीजिए, ये जो उन्नयन कोण बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा 45, कितना बन रहा है हमारा 45, किसका, तल का, क्रमशः का मतलब क्रम से, जो यहाँ पे क्रम लिखा होगा वही होगा, तल लिखा है 45 लिखा है पहले, तो तल का है, शिखर का एक है, ये किसका है, शिखर का, तो शिखर हमारा भाई ये है, इसका भी कितना उन्नयन कोण ही है ना,
कितना है हमारा 60 बन रहा है भाई, ये पूरा है 60, इतना 45। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार कितनी है, ये है ना मीनार, ये मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, ये निकालना है हमको। ठीक, तो यहाँ पे नाम डालेंगे a b, ये यहाँ पे जो हो गया c और ये हमारा d। समझ आ गया, बन गया फिगर, फिगर को समझ लिए, फिगर देखो समझ लोगे क्वेश्चन लग जाएगा अपने आप। कह रहा था कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार खड़ी है और मीनार का जो तल हो गया ये उसका उन्नयन कोण है 45 और जो मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण है 60। तब मीनार की ऊंचाई निकालना h। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगी h मीटर। ठीक है, h मान लीजिए, ठीक है h मान लीजिए बाद में। समझ आ गया, इतना तो समझ गए सभी लोग। ठीक, भवन की जो ऊंचाई दी है वो, भवन की जो ऊंचाई दी है वो BC है ना, BC बराबर कितनी दी है 20 मीटर। ठीक, भवन की जो ऊंचाई दी है 20 मीटर। अब देखिए, पहले हम इस वाले त्रिभुज से ये निकाल लेंगे ठीक है, उसके बाद ये वाले त्रिभुज से यानी पूरे त्रिभुज से, पहले ए बी सी से हम ए बी निकालेंगे, उसके बाद हम ए बी डी से ये वाली दूरी निकालेंगे। देखिए, अच्छा एक चीज़ देखिए, ये बी डी जो होगी वो किसके बराबर होगी, बी सी प्लस सी डी के, क्योंकि ये भूमि के ऊपर जो मकान है उसकी लंबाई प्लस मीनार की ऊंचाई जो माने हो ऊंचाई, तो ये बी डी जो होगी पूरी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, समझे कि नहीं। तो पहले हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे हम ये मान लेंगे बी डी बराबर ये h प्लस 20 हो गई हमारी। ठीक, अब देखिए पहले त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा ये लंब हो गया आधार, यानी tan 45 बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए बी, टेन 45 का मान एक होता है, बी सी हो गए हमारी 20 बटा ए बी, यानी ए बी हमारी कितनी आ जाएगी 20 मीटर। ठीक, ए बी कितनी आ गई भाई हमारी, 20 आ गई कि नहीं आएगी, 20 आ गए। इसके बाद में अब ये आ गए हमारे 20 मीटर, ये कितनी निकल के आ गई 20 मीटर। अब त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में टेन 60 रेशियो निकालेंगे, लंब हो गया पूरा, इससे नहीं मतलब, अब ये इस टाइप से चित्र बन रहा है, देखो ये इस टाइप से चित्र बन रहा है, ये हो गया 60, ये हमारी 20 निकल गया और ये पूरी जो हो जाएगी h प्लस 20 हो जाएगी, क्योंकि ये तो मकान और प्लस वो मीनार की। समझा गया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी डी बटा ए बी। ठीक, और बी डी को हमने यहाँ पहले निकाला, बी डी जो होगी इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगी ना, और टेन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बराबर बी डी जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, ये ए बी डी। ठीक, ये हो जाएगी हमारी एच प्लस 20 बटा 20, ये हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 20 और अंडर रूट 3 की गुणा कितनी आ जाएगी, 20 अंडर रूट 3 बराबर एच प्लस 20, इसको ऐसे ले सकते हैं एच प्लस 20 बराबर 20 अंडर रूट 3, और 20 उधर ले जाओ एच बराबर 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा h बराबर 20 कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, यही जो हो जाएगी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यानी अतः मीनार की ऊंचाई जो होगी वो हमारी 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, 20 बराबर अंडर रूट 3 माइनस 1। समझा गया, तो क्वेश्चन को एक बार समझते जाइए, ये चित्र हमने बता दिया कि इस टाइप से चित्र हो जाएगा, समझा कि नहीं आया, तो क्वेश्चन को एक बार समझते जाइए और उसके बाद में जो है चित्र बनाइए तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा। ठीक है, इसके आगे जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसे लगाना, यानी 11 से लेकर आपको 17 नंबर क्वेश्चन तक लगाने हैं। ठीक,
अगर उसमें से कोई क्वेश्चन फंसता है वो बताइए, वो आपका क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, होमवर्क जो है आपका 11 से 17 तक क्वेश्चन लगाने 9A में। ठीक, बाकी अगर कोई दिक्कत हो बताओ। थैंक यू।